क्या आप जानते हो डिफरेंस बिटवीन पाइल्स फिशर एर फिस्चुला? तो ये वीडियो आप जरूर देखें। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और नेचुरोपैथ, आज बताएंगे ये तीनों का डिफरेंस के बारे में। आपने अगर ये पाइल सीरीज का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री नहीं देखा तो प्लीज आप देख लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा और इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर देखना। और आप इस वीडियो को अपना दोस्त, अपना पड़ोसी, आपका कलीग, आपका फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग हेल्दी रहे और फिट रहे। इन विकारों में एक कॉमन बात है क्योंकि ये सारे गुदा विकृति। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स को जिसे बवासीर भी कहा जाता है, ये अनस का अंदर में एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कभी कभी यहाँ से मॉल जो निकालते हैं उस टाइम में खून भी आ सकता है। इसको चार ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड वन में एनस का लाइनिंग का अंदर छोटी सी इन्फ्लेमेशन होता है जो दिखते नहीं है। ग्रेड टू में एनस का अंदर में इन्फ्लेमेशन और थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है जो पायखाना करने का टाइम में महसूस होता है, फिर अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड थ्री में ये इन्फ्लेमेशन अंदर से और थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए बाहर आ जाते हैं और लैटिन करने का बाद इसको अंदर इंसर्ट किया जा सकता। और ग्रेड फोर में ये इन्फ्लेमेशन और बड़ा हो जाता है और उसका जो लाइन है इसका संकुचित हो जाता है, इसीलिए पायखाना करने का टाइम में कभी कभी खून भी आ सकता है और पायखाना बराबर साफ नहीं होता है। ये इन्फ्लेमेशन जो है पार्ट थोड़ा बाहर लटक जाता है, इसको इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उस टाइम में इसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। और पाइल्स के बारे में कुछ बातें। 50 वर्ष आयु तक 75% जनसंख्या को कभी ना कभी पाइल्स हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान पाइल्स एक कॉमन प्रॉब्लम है और कभी कभी ऐसा देखा गया मल द्वार से खून आने लगता है जब आप पैखाना करने के लिए जाते हो। अगर इसको लाइफस्टाइल और खान पीन सही किया जाता है तो अधिकतर केस में ये ठीक हो सकता है। कब्ज और बहुत ज्यादा टाइम लैट्रिन में बैठे रहना ये कारण हो सकता है। अभी आ जाते हैं फिसार का बारे में। फिसार में जो मल द्वार है उसमें उस नाली में काट या दरार आ जाते हैं, इसीलिए जब भी आप लैट्रिन या पायखाना करने जाते हो तब आपको बहुत ज्यादा जलन होती है और बहुत दर्द होती है। यही पाइल्स और फिसार में डिफरेंस है। कभी कभी पायखाना काटने का टाइम में खून भी आ सकता है, मवाद भी आ सकता है। पुराना कब जो पानी कम पीना यही इसका मेन कारण है। अधिक व्यायाम करना व अधिक टाइम बैठे रहना ये भी एक कारण हो सकता है। तो एक अधिकतर केस में आपको खान पीन और लाइफस्टाइल से ठीक हो जाता है, नहीं तो आपका डॉक्टर को पास जाने का जरूरत पड़ता है। अभी आ जाते हैं फिस्चुला के बारे में। फिस्चुला में जो मल द्वार का जो ग्रंथि होता है उसमें चाहे संक्रमण का कारण हो या कोई भी कारण में हो, अगर फोड़ा या फुंसी हो जाता है तो उसमें अगर वो फोड़ा या फुंसी फट जाता है तो एक नाली जैसा बन जाता है, होल बन जाता है जिसमें मवाद और खून भी निकलते रहते हैं। कभी कभी वो जो पाथ है, लाइन है, वो एक से अधिक भी लाइन हो सकता है, नल हो सकते एक से अधिक। तो इस केस में आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, अच्छा सर्जन को दिखाना चाहिए क्योंकि सर्जरी इसका एकमात्र इलाज है। कॉन्स्टिपेशन, संक्रमण और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। मल द्वार में ज्यादातर बैठे रहना, पानी कम पीना इसका कारण हो सकता है, तो इसके लिए आप डॉक्टर द्वारा चिकित्सा ले तो अच्छा रहेगा। वाह, क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल को दबाए ताकि नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी आपने जाना पाइल्स, फिशर और फिस्चुला के बारे में। अभी हम जान लेते हैं ये सारे बीमारी एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। पाइल्स के बारे में आपने जाना, पाइल्स में जो मल द्वार है उसमें सूजन आ जाते हैं, कभी कभी अंदर और बाहर हिस्से में भी होता है लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता। और फिशर में मल द्वार का जो नाली है उसमें काट या दरार हो जाते हैं, इसके लिए पायखाना करने का टाइम में खून निकलता है और असंख्य दर्द और जलन महसूस होता है। और फिस्चुला में फोड़ा या फुंसी होता है क्योंकि इसके इन्फेक्शन हो जाता है और एक नल जैसा बन जाता है, होल जैसा बन जाता है। मेन ये तीन डिफरेंस है। पाइल्स 50 साल तक जो भी जिसका उम्र है उसको लाइफ में एक न एक बार हो जाता है। मेनली ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आपने फाइबर फूड नहीं लिया,
या आपने खान पीन में गड़बड़ किया है तो बीमारी हो जाता है। ये आप अधिकतर केस में अपने आप ठीक हो जाता है अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक रखा है। और फिशर के लिए जो आपको दरार या कट आ जाता है उसको ठीक करने के लिए आपको लाइफस्टाइल और फाइबर युक्त खाना आपको खाना पड़ता है, पानी का मात्रा अधिक करना पड़ता है, कुछ कुछ केस में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि खून रोकना है और कभी कभी एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है, ये डॉक्टर ही आपको बताएंगे। और फिस्टुला में इसमें फोड़ा या फुंसी बन जाता है तो इसीलिए दर्द भी होता है, खून या मवाद भी होता है, इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता ही होता है। तीनों केस में एक चीज कॉमन है जो आपने अगर अपना लाइफ स्टाइल और खान पीन सही नहीं किया क्योंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बन जाता है, हो सकता है आपने पानी कम पिया हो, लाइफस्टाइल ठीक से नहीं किया हो, फूड हैबिट खराब है, तो इस केस में तीनों केस में ये कॉमन है, आपको इसको बेहतर बनाना पड़ेगा। फाइबर युक्त खाना आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, कोई भी जगह में आप ज्यादा टाइम ना बैठे, लैट्रिन या जो पैखाने में आप जाते हैं ज्यादा टाइम ना बैठे, कम समय में लैट्रिन करके फटाफट आ जाए। पाइल्स जो है नॉर्मली जो गर्भावस्था का दौरान ज्यादातर केस में ये देखा जाता है, खांसी के साथ ये आ जाता है, और फिशर या फिस्टुला में ऐसा नहीं होता। हमारा और एक चैनल है मेडिसिन रिलेटेड, नाम है फार्मासिस्ट कुंडू जी, नीचे उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें जाए और लेटेस्ट मेडिसिन का बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको कब्ज का परेशानी है तो आप ये वाला वीडियो देखें, अगर आप शुगर के बारे में जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो। नमस्कार।